जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सिचुएशन पाकिस्तान की है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उठापटक लगातार चल रही है, हालात ये है कि मतलब लोकतंत्र की जो किसी भी देश में धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं या जिसे कहते हैं कि अंतिम संस्कार होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो इस समय पर पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। सत्ता प्रेम के लालच में देश का बेड़ा गर्क कैसे किया जा सकता है और कैसे किसी एक इंसान का सत्ता प्रेम, कुर्सी का लालच और अपने विरोधियों के ऊपर भरोसा ना होने का एक जो असर होता है वो इस समय पाकिस्तान में खुलकर दिखाई दे सकता है। हमारे देश में हमारी सत्ता का आप जितना मर्जी मजाक उड़ा सकते हैं, हमारी सरकार का जितना मर्जी मजाक उड़ाइए, बुराई कीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश का विपक्ष है या विपक्ष के नेता, कोई भी ऐसा इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता जितना गिरी हुई हरकतें इस समय पर पाकिस्तान के राजनीतिक दलों का हर मेंबर करने पर उतारू है। और ना सिर्फ राजनीतिक दल, वहां हर वो इंसान जो वहां के पावर प्ले में शामिल है वो इस टाइम पर कर रहा है। मैं आज इसी चीज पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी इस समय पर खुश हो गई है, उसकी बल्ले बल्ले है और ऐसा लग रहा है कि हाँ आगे आने वाले टाइम पे या तो गृह युद्ध होगा या सैनिक शासन, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। दूसरा दोस्तों, अगर आप में से आपके जानकार या कोई भी IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक बहुत अच्छा एफर्ट स्टार्ट किया है। स्टडी टेबल नाम से हमारा YouTube चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे रखा है, साथ में इसी की ऐप है, तो हमारी स्टडी टेबल ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके ऊपर हमने NCERT की जो बुक्स हैं चैप्टर वाइज, पेज वाइज, कॉलम वाइज कहो, कैसे भी एलैबोरेट की है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें अवेलेबल हैं ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे तो कम से कम हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा UPSC और ऐसे ही GS से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी करें, PSC की करें, SSC की, GS करें, CUCSAT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, NET, JRF, ग्रेड 1 TET या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम तैयार करना चाहते हैं और आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो हमने यहाँ NCERT का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया हुआ है, चल रहा है। 500 पर मंथ इसकी फीस है, जो कि अपने आप में बहुत कम है, नॉमिनल है, बेसिक है। अगर आप इसके अंदर कूपन वगैरह कोड डालेंगे तो आपको 300 रुपये का कंसेशन भी मिलेगा अगर आप लमसम फीस पे करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी इस क्लासेस के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर स्टडी टेबल जो ऐप है हमारी उसे डाउनलोड करो और फटाफट उसके ऊपर आगे आप क्या नाम है जुड़ना शुरू कर दो। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पर। पाकिस्तान के अंदर जो भी इस समय पर पावर प्ले चल रहा है और इस पावर प्ले के अंदर जिस तरीके से इमरान खान से लेकर सभी के सभी ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और जितनी बेशर्मी इस टाइम पर इमरान खान ने दिखाई, कुर्सी के ऊपर जमे रहने की, हर वो हथकंडा अपनाया कुर्सी पर जमे रहने का जिससे कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन गया कि इमरान खान जो है वो सत्ता के लालची है। लेकिन असलियत में यहां पर दो ओपिनियन समझिए। एक ओपिनियन मेरा आपका है, मैं वो जो कि इंडिया के अंदर बैठा है उसके दुश्मन देश में, एक थोड़ी सी लोकतंत्र के मामले में एक छोटी सी नॉलेज रखता हुआ और उस लोकतंत्र में जीने की आदत रखता हुआ, लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स से हमारा बहुत गहरा वास्ता है। और आज के दिन हमारे हम हिंदुस्तानियों की तो एक आदत ये हो चुकी है कि हम हिंदुस्तानी जो बिना लोकतंत्र के अब रह भी नहीं सकते, और जरा सा कोई भी इस लोकतंत्र को ठेस पहुंचाता हुआ नजर आएगा तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हमारे देश की हमारी हालत ये है। ऐसे में अगर आप इमरान खान को देखते हैं तो यहाँ मैं इंडिया के अंदर बैठे हुए इमरान खान का एक एनालिसिस करता हूं कि बेवकूफ आदमी है, पागल है, गधा है, XYZ टाइप की एक सिचुएशन मैं यहां पर क्रिएट करता हूं, बताता हूं। वैसे ही मेरे जैसे ओपिनियन या मैं जो ओपिनियन रखता हूं वैसे ही काफी कुछ ओपिनियन TV एंकर्स और वर्ल्ड मीडिया जो है वो भी रख रहा है।
लेकिन इस दौरान हम एक चीज को भूल गए कि इमरान खान जैसा भी है, इसने एक काम बहुत जबरदस्त किया। शुरू से लेकर आखिरी तक अपने जितने भी अपोनेंट्स थे, अब आप उसकी अगर चाल देखेंगे तो उस चाल के अंदर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी। एक चाल ये नजर आएगी कि उसने सबसे पहली बात अपने अपोनेंट्स, जितने भी अपोजिशन वाले थे, उन सभी को एक तो वो करप्ट घोषित करने में कामयाब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लगभग 70 साल, जैसे अपने मोदी जी 70 साल गिनवाते हैं, वैसे इमरान खान भी लगभग 70 साल का इतिहास अच्छे से गिनवा के कहता है कि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन सब ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया है, उसकी उसको नाराज किया है, बदनाम किया है या उसको बेशरम बनाया है। यहाँ तक कि एक ये स्टेटमेंट तक दे डाला कि आम पाकिस्तानी के बारे में अमेरिकन कोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तानियों को अमेरिकन डॉलर मिले तो वो अपनी माँ तक को बेचते। मैंने भी ऐसा एक वीडियो बनाया था, हालांकि उसको लोग गलत ले गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, करप्ट होने के, करप्ट प्रूव करने में वो कामयाब भी हुआ। साथ में अगर आप देखेंगे तो उसने कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन किया इसने पाकिस्तान के लोगों का इंडिया के साथ, कि इंडिया झुकता नहीं है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ताकतवर है, इंडिया बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, बहुत ही एफिशिएंट वे में काम करता है, दुनिया की हिम्मत नहीं है इमरान खान को, दुनिया की हिम्मत नहीं है इंडिया को, एक बार भी वो ये कह दे कि आप कुछ मैनेज करो या हमारे सामने कुछ इस तरीके से। लेकिन तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की है, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी किस तरीके से कि यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स थे उनकी चिट्ठी के बारे में खुलकर ये कहना, 22 देशों ने लिखा और साफ कह देना कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानते। एक तरीके से जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट था पाकिस्तान के अंदर, उस अमेरिका एंटी अमेरिका सेंटीमेंट को भुनाने के लिए खुलकर इसने क्या काम करना शुरू किया, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट जो भड़क रहा था एक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट जो एस्टेब्लिश है, उसे पूरी कोशिश के साथ यहाँ पर वो भुनाने की कोशिश की, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आया। एटलीस्ट एक मिडिल क्लास जो था वो कहीं ना कहीं एंटी अमेरिका सेंटीमेंट की फॉर्म में इमरान खान के साथ आके खड़ा हुआ, और एक बड़ा रिलीजियस सेक्शन जो है वो इमरान खान के साथ आकर खड़ा हुआ कि हाँ, हमें अमेरिका के पास अपने देश को गिरवी नहीं रखना। इसने भी इमरान खान की पोजीशन को मजबूत किया, और रही सही कसर लास्ट मोमेंट तक, फाइट अनटू द लास्ट वाली बात है, लास्ट मोमेंट तक फाइट जो करने की एक सिचुएशन थी, मोमेंट तक जो था इसने फाइट किया। और अगर आप देखें तो लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हुए एक ये चीज दिखाने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो गया कि इमरान खान वर्सेस ऑल है, इमरान खान वर्सेस ऑल हो चुका है। अब यही एक सिचुएशन है कि इमरान खान एक तरफ है और बाकी जितने करप्ट हैं और सब चीजें हैं वो दूसरी तरफ। ऐसे में यहाँ पर जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो नॉर्मली उसके साथ जुड़ता है हमेशा, ये नॉर्मल होता है। आप इमोशनल तब होते हैं जब सारे के सारे ताकतवर मिलकर एक कमजोर को मार रहे होते हैं, और कमजोर के साथ सिंपैथी और ज्यादा मजबूत होती है जब वो कमजोर अपने से बहुत ज्यादा ताकतवरों से लड़ता हुआ दिखाई देता है और खुलकर लड़ता हुआ दिखाई देता है। यहां पर भी पब्लिक सेंटिमेंट यही कह रहा है। मामला क्या है कि इमरान खान शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कोशिश में लगे रहे एक चीज को समझाने में कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, मैं ईमानदार हूं, सब चीजें हैं, और ये आर्मी, अपोजिशन और जितने भी इंडिया, पाकिस्तान के करप्ट नेशंस हैं और यहां तक कि अमेरिका, ये सारे के सारे मिलकर मुझे हराने की, मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी हार पाकिस्तान की हार, और ना चाहते या कैसे भी करके वो इस चीज को एस्टेब्लिश करने में काफी हद तक कामयाब होते हुए नजर आए। अब अगर वो कामयाब होते हुए नजर आए तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सीधा सीधा दोस्तों आपको
यहाँ अब नजर आ रहा है कि इमरान खान गए और नारे लगा के गए कि आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, आओ और लड़े, सड़क पर आओ। यहाँ जब सड़क पर आओ यानी कम ऑन द स्ट्रीट्स की बात जब आई, कम ऑन द स्ट्रीट्स यानी आजादी के लिए, और ये एक तरीके की आजादी की लड़ाई जब डिक्लेयर की तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, और इसका सीधा सीधा मामला ये दिखाई दिया कि आजादी की लड़ाई का सीधा सीधा नाम ये है कि कॉमन मासेस जो है वो सड़कों पर आज के दिन दिखाई दे रहे हैं और वो उनको हटा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सेक्शन, काफी ज्यादा नंबर में एक सेक्शन जो है वो इस टाइम पर सड़कों में जो मेन सिटीज है, चाहे लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कराची है, जहां जहां मेन मेन सिटीज हैं वहां पर इमरान के जो कॉमन मासेस हैं, इमरान के सपोर्टर्स जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इससे एक तरफ एनआरकी लाइक से, हालांकि पूरे का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनआरकी लाइक सिचुएशंस नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, एनआरकी लाइक सिचुएशंस तो हैं, लेकिन इमरान खान को जैसे गिरफ्तार करने की बात हो रही है और जिस तरीके से इमरान खान को बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी गई है और ऐसा लग रहा है कि कहीं इमरान खान को फांसी तक ना दे दी जाए, ये सिचुएशन एनआरकी लाइक बन रही है। एक तरफ एनआरकी लाइक सिचुएशंस बन रही है, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले लो, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी ले लो, और अब तो तालिबान के तरफ से भी फायरिंग शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ यहां पर दुनिया को दिखाएगी आर्मी, अब यहां घात लगाए बैठी है आर्मी, और आर्मी के अंदर बैठा हुआ है बाजवा, आर्मी और आर्मी के अंदर बैठा हुआ है बाजवा, अब वो घात लगाए देख रहा है। और वो ये अच्छा, इसका नवंबर 2022 के अंदर इसकी एक्सटेंशन पीरियड जो है वो खत्म होने जा रहा है, और अगर इसकी एक्सटेंशन खत्म हो रही है तो ये पूरी कोशिश करेगा कि या तो अपनी एक्सटेंशन बढ़वाए, या फिर दूसरा काम ये करे, या फिर सीधा सीधा दूसरा काम ये करे कि किसी भी तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करे और खुद आर्मी का जो हेड है स्टेट की कंट्रोल को अपने हाथ में ले ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे ही एनआरकी लाइक सिचुएशन आएगी तो यहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, यहां इंटरनल डिस्टरबेंसेस क्रिएट होंगी, और जैसे ही इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होगी वो एक एग्जांपल होगा, और दूसरी तरफ यहां ये जो तालिबान का अटैक है और साथ में ईरान की तरफ से भी बहुत ज्यादा से अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो वहां से एक्सटर्नल इन्वेशन की फॉर्म में या एक्सटर्नल इन्वेशन की फॉर्म में प्रोजेक्ट करता हुआ नजर आएगा, और आर्मी को खुलकर कहने का मौका मिल जाएगा कि भैया असलियत में पाकिस्तान इज इन क्राइसिस, पाकिस्तान इज इन क्राइसिस। अब इमरान खान ने जो सिचुएशन क्रिएट की उसका सीधा सीधा असर दिखाई देगा कि भैया पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस में है, और आर्मी इज गोइंग टू प्ले इट्स रोल टू स्टेबलाइज। अब यहाँ आर्मी कहेगी कि भैया आज के दिन पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस में है, तो हमें इस पाकिस्तान को बचाना है, इसीलिए हम सारा जो रूल है वो आर्मी कंट्रोल के, रूल ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्मी कंट्रोल के अंदर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और यहीं से वो आर्मी रूल आ जाएगा, और जैसे ही आर्मी रूल आएगा सिचुएशंस आर्मी के फेवर में हो जाएंगी, और जब आर्मी कंट्रोल करेगी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले मामला उबलेगा, सिचुएशंस क्रिएट होंगी, अनार्की फैलेगी, अराजकता फैलेगी, बाहर वालों से हमले के शोर दिखाई देंगे कि तालिबान ने हमला कर दिया, ईरान ने हमला कर दिया, और हो सकता है इंडिया की तरफ से भी हमले की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया को उंगली करेंगे, और जैसे ही इंडिया को उंगली करेंगे इंडिया पकड़ के मारेगा, और जैसे ही इंडिया अंदर घुस के मारेगा, तो चारों तरफ से एक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जो फेवरेबल होंगी आर्मी के। और जैसे ही आर्मी के फेवरेबल सिचुएशंस होंगी, जैसे ही
आर्मी के फेवरेबल सिचुएशंस होंगी, वहीं से सिचुएशंस आर्मी रूल के लिए बनना शुरू हो जाएंगी। और चुपके से कहो या आराम से कहो या धीरे से कहो या जैसे मर्जी कहो, आर्मी जो है सारे रोल को अपने कंट्रोल मिलेगी और सिचुएशंस आर्मी के फेवर में आ जाएंगी। और इस तरीके से आप देखोगे आर्मी रूल एस्टेब्लिश होते हुए नजर आएगा। लेकिन एक सिचुएशन और बन रही है, और वो एक सिचुएशन ये बन रही है कि एक तरफ तो आर्मी रूल आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मेट भी है। और दूसरा फॉर्मेट ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि जो बाजवा है, बाजवा जैसे ही आर्मी रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा या अपना सेकंड एक्सटेंशन लेने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड लाइन मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो सारे के सारे भड़कते हुए नजर आएंगे और वो ये कहेंगे कि भैया तू अपना जा नहीं रहा और हमारी जो प्रमोशन है, हमारा जो जनरल बनने का सपना है या जनरल बनने के जो चांस है उसे तू खा गया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मिलिट्री जनरल्स का एक सेक्शन जाकर इमरान खान के साथ मिल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ असलियत में इमरान खान के पास आर्मी का जब एक सेक्शन खड़ा हुआ होगा जिसमें आर्मी के फेवरेट्स होंगे, जो इमरान खान के फेवरेट्स होंगे आर्मी के अंदर, और उन्हें चांस लगेगा कि अगर हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमारे को बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, क्योंकि इमरान खान के जीतने के चांसेस हैं। तो यहाँ इस स्टेज पर आके पाकिस्तान के अंदर खुलकर दो ग्रुप्स बनते हुए नजर आएंगे। एक तरफ टीटीपी, क्या नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज, वो खड़े हो, और आर्मी का एक सेक्शन यहाँ खड़ा हुआ हो, और दूसरी तरफ इमरान खान और आर्मी का दूसरा सेक्शन यहाँ खड़ा हुआ हो, और बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स यहाँ इनके साथ आकर मिल जाएं और बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स इनके साथ आकर मिल जाएं। और ऐसी सिचुएशन में जब दोनों ग्रुप्स सत्ता के लिए लड़ रहे होते हैं तो उसी को कहते हैं सिविल वॉर। और यहीं से इसके अंदर फॉरेन पावर्स वाला जो कंसेप्ट है वो भी आता हुआ आपको नजर आएगा, अमेरिका एक तरफ और चाइना और रशिया दूसरी तरफ। और चाइना कह चुका है कि हमें अगर दिखाई दिए, अगर हम हमें दिखाई दिया कि अमेरिका इंटरफियर कर रहा है तो हम भी इंटरफियर करते हुए देर नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सीधी सीधी बात ये है के चांसेस पूरे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि एनार्की फैले और सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हाथ से निकलें। तो हो सकता है आर्मी रूल आ जाए, और अगर आर्मी के अंदर भी फूट पड़ गई तो सिविल वॉर शुरू हो जाए। अब उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।